सरकार अपने कर्मचारियों को मोटी तनख्वाहें देती है, लेकिन इसके बाद भी भ्रष्ट कर्मचारियों का पेट नहीं भरता। वह गरीबों की मेहनत की कमाई को रिश्वत में लेते हैं, लेकिन जिसके पास पैसे ना हो और उसे रिश्वत भी देनी पड़ जाए तो वह क्या करेगा। हैरान कर देने वाला मामला टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ से सामने आया है, जहां SDM कार्यालय में जमीन पर स्टे के लिए पहुंची महिला से रिश्वत मांगी जा रही थी। महिला कई दिनों से परेशान थी, उसे स्टे नहीं दिया गया। महिला की जमीन पर कुछ दबंग जबरन कब्जा कर रहे थे, दबंग सत्ताधारी लोग थे। महिला द्वारा कई बार शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों ने उससे रिश्वत के रूप में 50,000 रुपये मांग दिए। महिला के पास 50,000 रुपये नहीं थे तो इसके बदले में वह अपनी गाय को लेकर SDM कार्यालय पहुंच गई। उसने अधिकारियों से कहा कि उसके पास यही एक पशुधन है जिसको लेकर आप हमारा काम कर दीजिए। महिला की बात सुनकर अधिकारियों के पसीने छूट गए। दरअसल महिला राम कुमार लोधी केलपुरा गांव की रहने वाली है और उसका आरोप है कि उसकी जमीन पर गांव के ही कुछ दबंगों द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। इसकी शिकायत वे थाने लेकर पहुंची तो थाने से उसे SDM कार्यालय भेज दिया गया। वह स्टे के लिए पिछले कई दिनों से घूम रही थी, लेकिन SDM के बाबू स्टे के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। महिला 50,000 रुपये देने में सक्षम नहीं थी। महिला ने बताया कि वह तहसीलदार और SDM को कई बार आवेदन दे चुकी है, लेकिन उसे स्टे नहीं दिया गया क्योंकि जमीन पर कब्जा करने वाले दबंग सत्ताधारी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। इसके बाद वह अपनी गाय लेकर SDM कार्यालय पहुंच गई। महिला ने गाय को तहसीलदार की जीप के सामने बांध दिया, जिससे तहसील में तमाशा खड़ा हो गया। महिला का यह कहना था कि अगर अधिकारी उसे स्टे नहीं देंगे तो यहीं पर वह आत्मघाती कदम भी उठा लेगी। महिला के इस रूप को देखकर अधिकारियों के पसीने छूट गए और वे पूछने लगे कि रिश्वत आखिर किसने मांगी थी, और सभी अधिकारी व कर्मचारी ऐसा व्यवहार करने लगे कि जैसे सभी दूध के धुले हों। फिलहाल अधिकारी जांच की बात कह रहे थे। इस मामले में मेरा कहना है कि स्थगन पूर्व से जारी है और पूर्व से ही जारी होने के कारण दोबारा स्थगन दिया जाना उचित नहीं था। वो महिला मेरे पास आई थी, मैंने जांच के निर्देश दिए हैं तहसीलदार को और थाना प्रभारी को भी उसकी प्रति दी है। टीकमगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट।